हेलो दोस्तों, मैं रवि, स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और थ्योरेटिक प्रैक्टिकल का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, ये एसएससी जेईई के बारे में है। एसएससी जेईई, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि जो एसएससी है वो हर साल जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करता है अपनी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके, ठीक है, लाइक वाटर वर्क्स एंड ऑल दीज। तो उसमें जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती हैं उनके लिए एस एस सी हर बार एग्ज़ाम कराता है जूनियर इंजीनियर का। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। जो प्रोफाइल होता है इस जॉब का, वो जूनियर इंजीनियर होता है। बोर्ड जो होता है, जैसा कि आप सबको पता भी होगा, बोर्ड जो होता है वो एस एस सी होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, वो ऑनलाइन होता है। ये तीन सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो शायद आपको पता ही होंगी। उसके बाद में एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, जो सैलरी होती है, ठीक है, जो सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं इस फिगर के आसपास जाती है, ठीक है, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ ये मैं। और जो ग्रेड पे आता है वो होता है 4,200 रुपीज़, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो एसएससी जेईई का है। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई और एडवांस में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप काशिप सर का वीडियोज़ जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको जो आप एक तरीके से कह लीजिए जो कंपटीशन है उसका एहसास कराने वाली है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो की। हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो क्या रहे हैं शुरू से एज एन 2012 से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 2012 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो ये थे, ठीक है, और ये। फिर उसके बाद 2013 में जो एप्लीकेंट्स थे ये थे, 2014 ये थे, और 2015 में ये थे, ठीक है। तो अब इन फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं एसएससी जेईई की तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। बच्चे एसएससी जेईई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में उतर के आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 1500-2000 के आसपास हर साल होती हैं, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, 1500-2000, और कई बार इतनी नहीं भी होती हैं। इन नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए इतने बच्चे निकल के आ रहे हैं। 2015 में 3,08,852 बच्चे, 2014 में 2,64,945, 2013 में 1,65,651, और 2012 में 1,86,938 बच्चों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म फिल्ड जो अपीयरिंग बच्चे थे वो थे 1,02,145, ठीक है। तो समवेयर अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स फिल अप द फॉर्म इन 2017, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अपन ने देखी अभी 1512 वैकेंसीज के लिए, कुछ 3,08,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आगे इस वीडियो में हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। आप जो हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो बताएंगे उसको समझिए, और जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्ट्रेटेजी इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है। स्ट्रेटेजी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आप चाहे स्टडी कितना भी कर लीजिए, कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, बट स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका स्ट्रेटेजी प्रॉपर तैयार नहीं होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अपन ने बात करी इंट्रोडक्शन पार्ट की, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगर आपको एसएससी जेईई से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस वीडियो में नहीं थी, तो आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने थ्योरी टू प्रैक्टिकल चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आप उस पर रेगुलर अपडेटेड रह रहे हैं, तो आपने काशिप सर का एक वीडियो देखा होगा एसएससी जेईई के बारे में। तो एक बार उस, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एसएससी जेईई को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, कैसा पेपर होता है, सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट्स मैं आता हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एसएससी जेई से रिलेटेड कुछ ऐसे, सबसे पहले उनमें आती है डेट्स, ठीक है। एसएससी जेई 2017 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, जिसमें सबसे पहला आता है फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म रिलीज कब हो रहा है एसएससी जेई 2017 का? ये जो फॉर्म रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है 14th अक्टूबर 2017 को, मतलब 14 अक्टूबर 2017 को इसका फॉर्म रिलीज होने वाला है। इस डेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आती है लास्ट डेट टू फिलअप द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी? तो वो रहेगी 10th नवंबर 2017। 10 नवंबर 2017 को आप इस फॉर्म की लास्ट डेट, इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा, मतलब इस दिन आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो रहेगी 5 से 8 जनवरी 2018, मतलब 5, 6, 7, 8 जनवरी 2018 में आपके साथ पेपर होंगे। और ये जो डेट्स हैं, ये पेपर वन के ध्यान रखिएगा, पेपर टू के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे। पेपर वन जो होता है उसकी अभी मैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न में बात करेंगे कि पेपर वन क्या होता है। तो पेपर वन और पेपर टू क्या होते हैं? तो पेपर वन जो होगा उसकी 5 से 8 जनवरी 2018 होगी, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा इसका जनवरी वाले पेपर का, ये कहीं ना कहीं जाके अप्रॉक्सीमेटली मार्च 2018 में निकलेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर्म निकलने की या फॉर्म रिलीज होने की। 14th अक्टूबर 2017 लास्ट डेट फॉर्म भरने की, 10 नवंबर 2017। एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो 5 से 8 जनवरी 2017, और जो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं मार्च 2018 में आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी जनरल बात आप डेट्स के बारे में, जो आप सब शायद पहले से जानते होंगे, या फिर नहीं जानते तो अब आपने जान ली होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करने यहाँ जा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। जैसे कि आप सबको पता है एसएससी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पहले से डिफाइन नहीं करता है, बट हम अगर पिछले साल की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को देखें तो पिछले साल की अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को देखें, 2015 और 2016 में अगर हम कंपैरिजन करें एसएससी जूनियर इंजीनियर का, तो सबसे पहले आते हैं अपन सिविल पे, ठीक है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जेई जो जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम एसएससी करवाता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल। सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। 2015 में ये वैकेंसीज थी 1283, ठीक है, 1283, और 2016 में ये वैकेंसीज थी 951, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेरेटिवली देखते हैं तो ये बाकी की वैकेंसी से कहीं ज़्यादा है, इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल की वैकेंसीज थी 120, 120, और ये 2016 में थी सिर्फ 25, मतलब 25 वैकेंसी सिर्फ थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की 38 वैकेंसीज थी 2015 में, और 2016 में 233 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मल्टीपल में ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज पड़ी। उसके बाद आप कंबाइन देखते हो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो 2015 में जो वैकेंसीज थी वो 176 थी, और 2016 में 178 थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉन्स्टेंट रही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, 2015 में क्वालिटी सर्विंग इन कॉन्ट्रैक्ट की एक भी पोस्ट नहीं थी, जबकि 2016 में या 125 पोस्ट निकाली गई। तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सिविल है, ठीक है, सिविल बाकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं या बाकी नंबर ऑफ ट्रेड्स है उनसे कहीं एक बड़े मल्टीपल में निकल के आता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि एसएससी जेई में सिविल एक बहुत बड़ा हाथ होता है सिविल का, कि एसएससी जेई की मोर देन आप ये मान के चलिए 50-60% सीट, ठीक है, अकेला सिविल कवर करके चलता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एसएससी जेई के बारे में जो अपन ने डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आपको मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अभी कोई भी डाउट है इस वीडियो में अभी तक के बताए गए फैक्ट्स पे, अभी तक की दी गई इंफॉर्मेशन पे, तो आप एक काम करें, ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है 9588243098, ठीक है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपन ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली, अब हम जो बात करेंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे।
ठीक है, एग्जाम पैटर्न से मतलब ये कि जो एग्जाम होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए एसएससी जेईई के होते हैं पेपर दो, ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू। जो पेपर वन होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और जो पेपर टू होता है वो कन्वेंशनल होता है, सब्जेक्टिव होता है। दोनों पेपर, ये भी 2 घंटे का होता है और ये भी 2 घंटे का होता है, ठीक है। यहाँ आपकी जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाती है सिर्फ, मतलब रेलेवेंट ट्रेड। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल आपसे पूछा जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, या फिर और किसी ट्रेड के हैं तो और कुछ। यहाँ स्टूडेंट्स, ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। और यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 200, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें पूछे जाने वाली एक चीज है रीजनिंग, ठीक है, दूसरी है जनरल अवेयरनेस, और तीसरी जो है वो है जनरल इंजीनियरिंग। ये सेम ऐसा रिलेवेंट ट्रेड का होता है, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस है वो भी 50 मार्क्स का आएगा, और जनरल जो इंजीनियरिंग है वो 100 मार्क्स का आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि जो एसएससी जेई का पेपर होता है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो दो चीजें हैं ये आपका नॉन टेक कवर कर रही है, ठीक है, और टेक्निकल वाला पार्ट है जो आपका जनरल इंजीनियरिंग और ये पेपर टू कवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेपर में अपियर करें, ठीक है, अगर आप इस पेपर में अपियर करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी कवर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेपर में बैठें तो आपको इस पेपर के लिए, ये तो आप फाइट कर ही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना आपका टेक्निकल है उतना ही आपका नॉन टेक्निकल भी है। तो अगर आप पेपर टू फाइट करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए भी फाइट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था एग्जाम पैटर्न जो आपको मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे अपन फिर से आके वही बात करते हैं, हम पहले पेपर टू की बात ना करते हुए पेपर वन की बात करेंगे। पेपर वन में अपन ने बताई तीन चीजें, ठीक है, एक है रीजनिंग, एक है जनरल अवेयरनेस, और एक है जनरल इंजीनियरिंग जो आपके ट्रेड वाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते, ये तीन चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग और रीजनिंग। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी बेस्ड आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस आपका मेमोरी बेस्ड होता है या फिर आपका नॉलेज बेस्ड होता है, तो यहाँ आपको स्टडी या हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका जनरल इंजीनियरिंग ट्रेड बेस्ड है, तो आप जब शुरू से यही चीज़ पढ़ते आए तो इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसमें डिग्री या डिप्लोमा वट एवर इट इज़ जो भी किया है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होगी होगी। तो अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में जब जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आपका रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे क्या है, जनरल अवेयरनेस एक मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को याद करेंगे, उतना ज़्यादा याद होगा और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल ने आपके नॉन टेक के लिए, ठीक है, नॉन टेक के लिए एक कॉम्बो लॉन्च किया है, ठीक है। और इस कॉम्बो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के दो पार्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज होता है और एक जनरल साइंस होता है, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल करवाया रहा है थ्योरी टू प्रैक्टिकल, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस जो है नॉन टेक का प्राइस आप कहीं ना कहीं मान के चलिए 5,100
ठीक है। और अगर आप करंटली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, या फिर कॉल करते हैं नॉन टेक पार्ट के लिए, तो आपको इस प्राइस में जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट वैल्यू होगी वो डिस्काउंट करके आपको ये फीस बताई जाएगी इस पार्ट की, जिसमें आपको जीके कंप्लीट, जीएस कंप्लीट एंड रीजनिंग कंप्लीट करवाया जाएगा। अब ये जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल का नॉन टेक पार्ट है, इसकी सबसे खास बात यह है कि रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँ। जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने भी बताया, जनरल अवेयरनेस जो है वो एक मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना आप ज़्यादा चीज़ों को याद करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जनरल नॉलेज है, यहाँ हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, थ्योरी टू प्रैक्टिकल की वेबसाइट पे हम लोग कुछ आपको ऑडियो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे आप उन चीज़ों को बार बार सुन करके, बार बार उन चीज़ों को सुन करके याद कर सकते हैं, जिससे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब रही ट्रेड की बात, तो अगर आप ट्रेड वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी जेई के लिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल बहुत ही जल्द एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, एज वेल एज टेक्निकल पार्ट भी थ्योरी टू प्रैक्टिकल लॉन्च करने जा रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कब लॉन्च हो रहा है सर, कैसे लॉन्च हो रहा है, क्या क्या चीज़ें कवर होगी, तो आप सेम फिर उसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर करके आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्ट्रेटेजी की बात। अब अपन बात करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल से रिलेटेड, या फिर एसएससी जेई से रिलेटेड, या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट है www.theory2practical.com। जो ईमेल आईडी है वो theory2practical@gmail.com, ठीक है। ये हमारा वेब एड्रेस है और ये हमारा मेल आईडी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स थी स्टूडेंट्स। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है एसएससी जेई से रिलेटेड, कोई भी और आपकी इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको और ज़्यादा एडवांस में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी जेई की, तो आप हमारे चैनल पर जाके एसएससी जेई 2017 के नाम से काशिफ सर का एक वीडियो आया हुआ है, उसमें काशिफ सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एसएससी जेई के बारे में, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।